तो हाय गाइस, आज हम लोग बनाएंगे नॉर्मल सा केक, जिसके लिए मैंने 1 कप रिफाइंड डाला है, जिसमें और मैंने शुगर पीसी हुई डाली है। उसके बाद इसमें 2 कप मैदा डाला है एंड देन दूध मैंने ग्रेजुअली मिला करके इसे अच्छे से फेंट लिया है। इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से ऐसे राउंड कट करके एक ही डायरेक्शन में से फेंटना है, और इतने अच्छे से फेंटना है जैसे हमारा बैटर जो है वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाए। सो इसे हमेशा एक ही डायरेक्शन में फेंटना है ताकि इसमें जो भी हमारा कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर एकदम एक अच्छे बैटर की तरह आ जाए। अब यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है जो ऑलरेडी मैंने ग्रीस करके रखा था रिफाइंड से, एंड देन मैंने उसमें बैटर डाल दिया है। फिर इसको कुछ देर के लिए ऐसे टैप करेंगे। टैप करने के बाद अब हम इसे अपने प्री हीट ओवन में रखेंगे, जिसको मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर रखा था। अब हम आते हैं अपनी क्रीम की तरफ। तो मैंने लिया एक व्हिप क्रीम एंड उसके बाद मैंने उसमें कुछ सिरप चीनी जो अरेंज किया है, एंड देन उसके बाद हम इसे अपने बीटर से बीट करेंगे। इसे ऐसा बीट करना है जब तक कि इसमें स्टिफ पिक ना आ जाए। बीटर से बीट करने के बाद इसे प्रॉपरली एक ही डायरेक्शन में से प्रॉपर राउंड करते जाएंगे जब तक स्टिफ पिक ना आ जाए। अब हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। टूथपिक से मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। अब इसे ठंडा होने देंगे एंड देन उसके बाद जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से चाकू से हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। डीमोल्ड करने के बाद हम इसे एक प्लेट में ऐसे करके पलट लेंगे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। देन उसके बाद इसे जो बटर पेपर हमने लगाया था उसे हम हटा लेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा स्पंज बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, एकदम स्पंजी जालीदार बन चुका है। अब इसे जितने पीसेस में चाहिए, हमें 2 लेयर चाहिए था तो हमने इसे 2 लेयर में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना जालीदार है। उसके बाद हमें इसे फाइनल जो क्रम कोटिंग है वो क्रम कोटिंग करनी, जिसके लिए मैंने शुगर सिरप लिया है एंड देन उसे मैंने क्रीम से क्रम कोट करके कुछ चॉको चिप्स डाल दिया है। एंड देन अभी हम यहाँ पे सेकेंड लेयर पे सिरप से ही ये करेंगे, अंदर उसके बाद इसमें क्रीम लगा करके इसे क्रम कोटिंग कर लेंगे। अच्छे से क्रम कोट करने के बाद इसे कुछ देर के लिए हम फ्रिज पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ताकि हम इसमें फाइनल गार्निशिंग करें। ओके, तो अब इसे हम फ्रिज पर रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद ये देख सकते हैं आप कि ये पूरा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसमें फाइनल गार्निशिंग कर रहे हैं, जिससे हम मैंने ये पिंक कलर का क्रीम लिया है जिसको मैं इसमें पूरे तरीके से स्प्रेड करूँगी, साइड्स के में भी एंड ऊपर में भी अच्छे से इसे स्प्रेड करके मैं इसे अच्छे से सब तरफ स्प्रेड कर लूँगी ताकि ये इवनली पूरा सेट हो जाए। ओके, एंड अच्छे से इसको सेट करने के बाद पूरा चारों तरफ एंड ऊपर की लेयर पे भी मैंने इसे अच्छे से क्रीम कोट कर लिया है। अब इसे फाइनल टच देने के लिए मैंने ये रेड कलर का क्रीम लेकर के इसे कुछ नॉर्मल सा फ्लावर बनाया है, एंड देन नीचे में मैंने इसका फाइनल सा बॉर्डर बना दिया छोटे से डॉट डॉट से, एक लाइनिंग वाले नोज़ल के साथ मैंने इसे नॉर्मल सा बॉर्डर बना दिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें कुछ पिंक ग्रीन कलर के पत्तियाँ बना दी हैं, एंड देन उसके बाद मैंने कुछ स्वीट शुगर बॉल से